हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे और टेक आइथिर में आप सबको स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आप पेन ड्राइव को लॉक लगा सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो डिवाइस होते हैं, मतलब कि वो मेमोरी डिवाइस, उसको भी आप लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को स्किप ना करिए, अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पेन ड्राइव को प्लग इन करता हूँ और फ्रेंड्स सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है बीट लॉकर। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज बीट लॉकर और फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि रिमूवेबल डाटा ड्राइव बीट लॉकर टू गो, और यहाँ पर बीट लॉकर ऑफ का ऑप्शन है और जी ड्राइव है जो अपना पेन ड्राइव है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करते हो और मेरा पेन ड्राइव यहाँ पर दिखा रहा है और सामने ही दिखा रहा है टर्न ऑन बीट लॉकर, क्या आप बीट लॉकर ऑन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और देखिए कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप पासवर्ड लगाने की इजाज़त देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। फ्रेंड, पासवर्ड इस तरीके से होगा, उसमें एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए और सिंबल भी होना चाहिए। तो देखिए मैं पासवर्ड देता हूँ और री एंटर योर पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड देना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, पासवर्ड लगाने के बाद एक मैसेज आया है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप फाइल को सेव कर दीजिए और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को किसी भी ड्राइव में आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए और स्टार्ट इंस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि जो मेरा डिवाइस है, मतलब कि पेन ड्राइव, वहाँ पर एक लॉक का साइन है और यहाँ पर टर्न ऑफ बीट लॉकर, टर्न ऑन ऑटो लॉक, चेंज पासवर्ड, रिमूव पासवर्ड, मतलब कि आपका पेन ड्राइव में पासवर्ड लग चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पेन ड्राइव को हम इजेक्ट कर देते हैं और फिर से एक बार हम लगाएंगे, ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि पासवर्ड लग चुके हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए पेन ड्राइव को प्लग इन करता हूँ। पेन ड्राइव प्लग इन करने के बाद माय कंप्यूटर में जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा पेन ड्राइव है जी ड्राइव, वहाँ पर ताला का लॉक लगा चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ और जब भी मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर पासवर्ड आपको मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी पासवर्ड, मैं रेंडम पासवर्ड देता हूँ और अनब्लॉक करता हूँ और यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड नॉट इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं वही पासवर्ड देता हूँ मैं पहले जो पासवर्ड दिया था और अनब्लॉक करता हूँ। करेक्ट पासवर्ड क्लिक करने के बाद मेरा जो लॉक है वो ओपन हो चुका है और मेरा पेन ड्राइव भी शो कर रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ और मेरा जो फाइल है वो मुझे दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ एक्सटर्नल या पेन ड्राइव नहीं, इंटरनल ड्राइव को भी लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वो मेरा पेन ड्राइव है और ऊपर जो है एक्सटर्नल डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ये रहा मेरा एक्सटर्नल डिवाइस और यहाँ पर आप लॉक लगा सकते हैं। और देखिए पास में लिखा हुआ है टर्न ऑन बीट लॉकर, यहाँ पर क्लिक करके आप लॉक लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पेन ड्राइव को अनलॉक करना चाहते हैं, मतलब कि वो जो पासवर्ड आप दिया है उसको इनक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वही बीट लॉकर सर्च करना है और उसके अंदर जाना है। अब दिखा रहा है कि आपका जो पेन ड्राइव है बीट लॉक ऑन लॉकटेड, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है अनब्लॉक ड्राइव, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड आपको री एंटर करना है और यहाँ पर अनब्लॉक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है टर्न ऑफ बीट लॉकर और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर टर्न ऑफ बीट लॉकर में क्लिक कर दीजिए और प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लगेगा, आप थोड़ा देर वेट करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पेन ड्राइव लॉक करने का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आते हैं एक नया वीडियो के लिए, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।